बाबा है, बाबा है आपके पास। बस 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 सारे तो क्या बैठ, ये किसका बच्चा है, किसको ले आई? बस बस सांस लेने रहे, अभी से कौन घर फोन बताती हो? ये है कौन, किसके बच्चे को उठा के ले आई है? कचरे में पड़ा हुआ था, उठा के ले आई। साधो मेरे को ना सिर्फ सच सुनना है, सिर्फ सच। और इतना साफ सुथरा प्यारा बच्चा कचरे पे कैसे हो सकता है? सच ही बोल रही हूँ, इंद्र देखा था, कोई इसकी तरफ देख भी नहीं रहा था, माँ भी नहीं थी इसकी, कोई भी नहीं था। मेरे दिल को कुछ हुआ, तरस आया, उठा के ले आई। अब बता अगर छोड़ के आती तो जुलम नहीं होता? याद है तुझे अपने नाम यहाँ से कितनी रो रो के तड़प तड़प के मैंने दुआएं की थी, ये ऐसा चांद था मुन्ना बिट्टू मुझे भी दे दे, दे दिया अल्लाह ने। देख कितनी जालिम औरत हो गई है तू, किसी माँ की गोद उजाड़ के तूने जबरदस्ती अपनी गोद आबाद कर ली, इस माँ पे क्या गुजर रही होगी ये भी तो सोच रही थी। मैं बता रही हूँ ना, वहाँ पे कोई नहीं था इसका, अगर इसकी माँ होती तो मैं क्यों लेके आती इसको, बता। मैं हूँ इसकी माँ, मैं हूँ। और नहीं है तू इसकी माँ, अभी क्या नहीं इसको इसकी माँ के पास छोड़ गया? अगर तूने ऐसा ना किया ना, तेरी जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी, तेरी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। नहीं जाऊंगी मैं, तो समझता क्यों नहीं है? मैं पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी सब, अपना सर बनाऊंगी मैं, और खाने के पैसे तो है नहीं, पढ़ाई की कहां से? और क्यों इसका मुस्तकबिल खराब करती है? मैं अपनी जान मार दूंगी, मैं मेहनत करूंगी, जो जो करना पड़ा इसके लिए करूंगी, मैं इसे पढ़ाऊंगी, अल्लाह पे खुश हो जाएगा मुझसे। देख साधो, तेरी मोहब्बत ने ना मेरे को कभी नाराज नहीं होने दिया, लेकिन इस वक्त मुझे समझ में आ रहा है तेरे से क्या हो गया डाले तुझे है? और बस मुझे नहीं पता, इसको भी छोड़ गया। देख अगर तू इसको छोड़ के ना आई ना, तो ऐसा ना हो ये बच्चा तेरी जिंदगी भर का पछतावा बन गया। सुमेरा, सुमेरा प्लीज होश में आओ, मुझे प्लीज बताओ कि तुमने क्या देखा था। सुफियान मेरा बच्चा। हाँ हाँ सुफियान किधर है? सुफियान सुमेरा प्लीज मुझे बताओ तुमने क्या देखा था, उसको कहाँ पे है वो? बच्चा प्लीज होश में आओ, प्लीज होश में आओ। मैं बच्चा सुफियान। मिल जाएगा तुम फिक्र ना करो। सुफियान सुफियान रोटी खाएगा मान ले, रोटी खाएगा? नहीं। साधा इधर बैठ, तेरे को एक कहानी सुनाऊं, सुनेगी? पर ये कौन सा टाइम है कहानी सुनाने का? सुन तो सही, बहुत मजे की कहानी, मजा आएगा। सुन सुन लेती तू भी क्या याद करेगा, सुना। बहुत साल पुरानी कहानी है ये, ऐसी ना हमारी तरह का एक कच्चा पक्का मोहल्ला था, वहाँ ना एक बेवा फकीर नहीं रहती थी, उसकी ना कोई औलाद नहीं थी, लेकिन औलाद के लिए पागल थी वो तेरी तरह। तेरी तरह वो भीख मांगती थी और कचरा चुनती थी। फिर क्या हुआ कि एक दिन वो कहीं से एक बच्चे को उठा के लिए आई, बहुत प्यारा बच्चा था, शायद किसी अमीर माँ बाप का वारिस लगता था। अब उस बच्चे को वो ले तो आई, लेकिन उसको छुपा छुपा के रखती थी, क्योंकि उसके लिए तो वो बहुत बड़ा सहारा बनने वाला था। अगर वो ये बात भूल गई कि उसने किसी के घर में कितना अंधेरा कर डाला है। हाँ तो उसको बच्चा रास्ते से मिला था तो वो ले आई होगी, उसने कौन सा जिन किया है, वो बेटा बना के पालती होगी ना उसे, लेके हुई ना फिर तो। वही तो, अगर रस्ते में मिला होता तो वो सैर छोड़ के थोड़ी चली जाती। ये बात तो पक्की ठक्की थी कि उसने उस बच्चे को अगवा किया। फिर ना उसने जो बढ़िया से कपड़े वपड़े पहने हुए थे, जूते पहने हुए थे,
वो उसने उतार के ना एक कोठली बना के ना रख दी छुपा के। फिर उस औरत ने ना उस बच्चे को भी अपने साथ मांगने पे लगा दिया। बच्चा तो मासूम था, वो उस औरत को अपनी माँ समझ बैठा। लेकिन उस जालिम औरत ने एक बार भी उसको माँ बन के नहीं दिखाए। हाँ तुम्हें खुद ही बता रहे उसको घर पे छुपा छुपा के रखती थी, तो इसका मतलब क्या हुआ बता? मोहब्बत करती थी ना उससे इसलिए। अगर मोहब्बत करती होती तो उसको दर दर दे भीख ना मंगवाती है। लेकिन एक बात है, वो जब सुबह से रात तक भीख मांग मांग के थक जाते ना, फिर कहीं बैठ के चाय और समोसे खाते हैं, उसी को अयाशी समझते थे अपनी। एक बात की, दोनों बहुत खुश थे। वो औरत तो बात बात वो बच्चे का मुंह चूम लेती थी। ले सब कुछ मुझे बता रहे है, मुंह चूमने का मतलब क्या है? प्यार है ये। उस औरत ने सिर्फ अपनी खुशी के लिए उसको मांगने पे लगाया था। जब तक जिंदा रही अपनी खुशी पूरी करती रही। लेकिन वो ये बात भूल गई कि उसने कितने लोगों को जीते जी मार डाला है। वे तो बड़ा जुल्म किया फकीरनी ने, बहुत जुल्म किया। सबसे बड़ा जुल्म तो उस लड़की के साथ हुआ जिसको वो अपनी औलाद कहती थी। लेकिन एक बार भी अपने ममता भरे दिल से उसने माँ बन के नहीं सोचा कि जिस शानदार घर का वो इकलौता वारिस था, अगर वहां रहता तो उसकी जिंदगी कितनी पुरसकून और अच्छी होती। लेकिन उसने तो उसको भीख मांगने पे लगा दिया था और खुद को उसकी माँ कहती थी। फिर आगे क्या हुआ मालिक? फिर क्या होना है साधो, जिंदगी तो जिंदगी है ना, एक दिन तो खत्म होती है। फकीरनी भी मार रहने लगी और जब उसको यकीन हो गया कि अब उसने जिंदा नहीं रहना, उसने इस लड़के को बुलाया, अपने पास बिठाया और सारी कहानी सच सच सुना दी। साधो वो लड़का बिनक बिनक के रोया, उसको यकीन ही नहीं आ रहा था। कहने लगा, अम्मा ये तू क्या कह रही है, मेरे को यकीन नहीं आ रहा। तुम बीमार हो गई ना इसलिए मत मारी गई है तेरी, तो कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है, है? कहने लगी, मैं सच कह रही हूँ बेटा, मैं बेवा थी, मैं बेवा थी, मेरा सवाल भी नहीं था, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। तो एक दिन मैंने तुझे गली में अकेले खेलते हुए देखा, तो मैं तुझे मोहब्बत में उठा के ले आई। जिस घर का वारिस था ना वो बहुत अमीर व्यक्ति, मैं डर गई थी, इसलिए मैंने सारी बदल लिया था। वो लड़का कहने लगा, मैंने तूने क्या किया और मुझे मैम से उठा के फकीर बना दिया, एक गाने पे लगा दिया, मेरे को यकीन नहीं हो, क्या तुम्हारा ये झूठ है क्या भी है? और अब कहने लगी, तुझे अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आ रहा तो लेके आ वो ये पोटली में, देख इसके अंदर क्या है, इसके ये वो कपड़े है जो तूने उसे पहने हुए थे, अरे अरे जूते, ये मेरे तेरे माँ बाप की आखिरी निशानी समझ के रख दिए थे। बच्चा कहने लगा, ये तो किसी रईस के कपड़े लगते हैं। औरत ने कहा, तू रईस ही तो था, मैंने तुझे भिखारी बना दिया, मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे, मुझे पता है मैं मरने वाली हूँ, तू अगर माफ कर देगा तो मेरे आगे की आसानियां पैदा हो जाएंगी। बच्चे ने कहा, क्या कह रही है अम्मा, माफ कर दो तुझे, और कैसे माफ कर दो, तूने अपनी जिंदगी आसान करने के लिए मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी और अब मुझे अकेला छोड़ के जा रही है और अपनी आगे की आसानियां देख रही है।
मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। मैं कयामत वाले दिन अल्लाह से सवाल करूंगा। मैं कहूंगा अल्लाह तू सबका इंसाफ कर रहा है ना, मुझे मेरी मां से जो कि मेरी मां नहीं है, इस औरत से मेरे बचपन के एक एक दिन का हिसाब चाहिए बस। बच्चा तुमने था ना? नहीं नहीं नहीं, तू नहीं हो सकता वो बच्चा, तू बोला कैसे हो गए है? सादो मैंने कहा मैं तो रह गया तो सा एक और बाला ना बना, एक और बाला ना बना। चेहरा है।